ओम नमः शिवाय। मित्रों, आज हम शिमला से 115 किलोमीटर दूर ममलेसर महादेव मंदिर में आए हैं। ये ममिल गांव में है, अशोक घाटी में स्थित है। ये बहुत प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर का संबंध पांडव काल से है, महाभारत काल से। मंदिर का स्ट्रक्चर लकड़ी का बना हुआ है पूरा, बहुत सुंदर नक्काशी है लकड़ी की। और इस मंदिर के अंदर माता पार्वती और भोले बाबा युगल रूप में स्थापित हैं। बहुत ही पवित्र स्थान है, प्राचीन स्थान है। इस मंदिर का जुड़ाव पांडवों से भी है। बताते हैं, अपने अज्ञातवास काल में पांडव इस मंदिर में कुछ काल तक इस गांव में रुके थे। उन्हीं के द्वारा स्थापित शिवलिंग भी हैं यहाँ पे। और ये देखिए, भीम का ढोल है, इसे भीम बजाते थे। बहुत बड़ा ढोल है, ये अखंड धुनी है। ये भीम के द्वारा राक्षस का वध करने पर उसी स्मृति में तब से 5000 साल से धुनी जल रही है। आज भी उसी तरीके से जलाई जाती है। बहुत ही उन अच्छा स्थान है, आप जरूर आएं। यहाँ पे आने में मन को शांति मिलती है। और इस मंदिर में एक महाभारतकालीन गेहूं का दाना है, जिसका वजन 250 ग्राम के आसपास है। जब भी आप मंदिर आए तो पुजारी से अगर मांग करेंगे तो पुजारी आपको वह गेहूं का दाना जरूर दिखाएंगे। गेहूं का दाना इतना बड़ा है, एक 250 ग्राम का, आप सोचिए। देखिए, गदगद हो जाता है। पुरानी चीजें हैं ये, अब कहाँ ऐसा रखा है। बहुत पवित्र स्थान है, पांडवकालीन मंदिर है। देखिए, दर्शन कीजिए, कितने सुंदर छवि है। देखिए, ये गेहूं का दाना है। पुजारी ने हमें हमारे अनुरोध पर दिखाया। तो जब भी आप मंदिर जाएं तो पूरी जानकारी अगर लेके जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर ये हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, नए हैं तो, और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इस तरीके के हम वीडियो डालते रहते हैं, इससे आप जल्दी से हमारी वीडियो देख पाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखिए कितना सुंदर नक्काशी है, लकड़ी का मंदिर है। बहुत ही आनंद वाले पल हैं, मन को बहुत शांति मिलती है। आप जरूर आएं। देखिए मंदिर कितना सुंदर है, अंदर से नक्काशी भगवान की।